हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का भारत ऑन सेट लोकेशन एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। वेल फ्रेंड्स, आज थोड़ा एपिसोड लेट हो गया है, लेकिन जितने भी लोग हैं जो अभी रात को नहीं देखेंगे, कल सुबह होने वाली है, देख लीजिए। तो गाइज, आज के एपिसोड में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है शिवम, उन्होंने मुझे ईमेल करके कांटेक्ट करके कुछ इमेजेस भेजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब से मैंने ईमेल मेरा दिया है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, लेकिन उनपे नाम नहीं आ रहा गाइस। शिवम इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने मुझे अपना नाम लिख के भेजा है। ये सीन देख के आपको किसकी याद आ रही है? टाइगर जिंदा है, ऑयल टैंक फील्ड्स जहाँ पर परेश रावल सलमान खान का क्लास लेते हैं आके, कहाँ से है तू, कहाँ रहता है, उसी तरह से मजदूरों की लाइन लगी हुई यहाँ पे देख सकते हो गाइज। एक्सक्लूसिव फुटेज है गाइज, कहीं देखने नहीं मिलेगा। ऑल थैंक्स टू मिस्टर शिवम, थैंक यू वेरी मच। मैंने उनको कहा आपकी कोई फोटो है तो भेजो, मैं आपकी फोटो शेयर करूंगा मेरे चैनल पे, लेकिन थोड़ा शर्मीला आदमी लग रहा है, ही डिडंट शेयर इस फोटो, लेकिन थैंक यू शिवम फॉर सेंडिंग मी दिस फोटो। देख सकते हो गाइज यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी है, ऑब्वियसली कोर्ट रूम सी है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसका झगड़ा भारत यानी कि सलमान खान कर रहा है? देखने लायक होगा, लेकिन बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट आए थे गाइज सेट्स पे, मैंने आपको बताया था, एंड हियर इज द प्रूफ। अब गाइज, प्यार से हमको लोग लॉयन कहते हैं। वेल फ्रेंड्स, अजीत बहुत बड़े विलन है वो टाइम पे। वहाँ पर उनके बेटे शाहजाब खान यहाँ बैठे हुए हैं, देख सकते हो हम यहाँ पे। अब शाहजाब खान अंदाज अपना अपना में जो दो बटलर बने हुए थे उसमें से एक ये है, आप उनको पहचानते होंगे गाइज, लायन के बेटे हैं शाहजाब खान, वो इस फिल्म में है। दैट इज़ अ ह्यूज सरप्राइज, वो इस फिल्म में क्या कर रहे हैं देखने लायक होगा। ये बाहर बैरिकेड से कुछ फोटोज है जो शिवम ने खींचे हैं, थैंक यू शिवम, थैंक यू वेरी मच, ह्यूज शाउट आउट टू यू। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। भाईजान के लुक, लकी गर्ल्स, सीरियसली SWAT के जो आर्मी पर्सनल्स है यानी फीमेल आर्मी पर्सनल्स, सलमान खान ने उनको निराश नहीं किया। थैंक यू सलमान खान फॉर बीइंग द गाय यू आर। एंड गाइस, सलमान खान का जो लुक दिखाई दे रहा है एब्सोल्युटली अमेजिंग, जिस तरह से उनका मेकअप किया गया है इस फिल्म के लिए, थोड़ा लग रहा होगा कि ओल्ड लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली गाइज दिस इज वॉट सलमान खान विल लुक लाइक इन द फिल्म। यहाँ पर हैवी अंडर आई बैग मेकअप किया गया है, यहाँ पर कॉटन, और उसके बाद जिस तरह से कॉम्पैक्ट लगाया गया है और कॉन्टूर किया गया है, इस शोज अ ओल्ड लुक ऑफ सलमान खान इन मुस्टैच। माल्टा के स्केड्यूल में भी आपने देखा होगा सलमान खान की मुस्टैच थी, तो ये मुस्टैच लुक भी आपको देखने मिलेगा। एंड ऑल दीज आर्मी पर्सनल्स, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस फोटोज विद ऑल भाईजान फैंस। सो गाइज, अब बात करते हैं सुनील ग्रोवर की। सुनील ग्रोवर भी इस फिल्म में है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उनकी जो ड्रेस डिजाइनर है, आज उनके साथ उन्होंने फोटो खींची है सेट पे। अब गाइज, सलमान खान के तीन लुक सामने आ रहे हैं। एक द शेविन गाय लुक, आज कुर्ता पजामा पहन के भी सलमान खान वहां पे दिखाई दिए है, बीइंग ह्यूमन ई साइकिल्स पे बाद में आएंगे। अब कुर्ता पजामा का क्या फंडा है यहां मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हो गाइज, यहां पर बहुत सारी महिलाएं साड़ी पहन के खड़ी हुई है, यहां पर सफेद साड़ी, एंड सलमान खान इज वेयरिंग अ व्हाइट कुर्ता पजामा, यानी कि एक डेथ सीन है, किसी की मृत्यु हो गई है पिक्चर में, उसकी पिक्चराइजेशन यहां पर लाल किले के पास हो रही थी। यस मेरा भाई, द लोकेशन फॉर टुडे वॉज द रेड फोर्ट इन इंडिया, वहां पर शूट हो रही थी, एंड सलमान खान ड्राइविंग हिज बीइंग ह्यूमन ई साइकिल लाइक अ बॉस। बहुत सारे फोटोज थे जो अतुल अग्निहोत्री ने शेयर किए हमारे सामने, सलमान खान उनकी साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। वेल फ्रेंड्स, आज कटरीना कैफ के लिए लास्ट डे है शूट का, एंड आई थिंक कल थोड़ा पैच बाकी है अली अब्बा जफर का विद भाईजान, लेट्स सी कल शूट रैप अप होती है नहीं, लेकिन कटरीना कैफ इज कमिंग बैक टू मुंबई टुनाइट। देख सकते हो मार्सिन उनके असिस्टेंट एंड अली अब्बा जफर ऑन द सेट्स ऑफ भारत। सो गाइस, आई होप एक्सक्लूसिव खबर आपको पसंद आई हो। कल सुबह देख रहे हो तो लाइक करो, आज रात को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। मियां मंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी टुमारो, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, लव यू गाइस।